काउंसिल की आर्ट गैलरी में। यहाँ के स्टूडेंट्स ने क्या बनाया है ये मैं आप लोगों को आज बताऊंगी, तो देखते रहिए न्यूज़। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नूर और अली, इनके आर्ट का थीम है खामोश चीखें। तो हम आज बात करेंगे खामोश चीखों से, तो चलें चलते हैं बात करते हैं। अली का जो थीम है वो है खामोश चीखें, तो अली का जो आर्ट है ये इसको किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? जो मेरी लाइफ में गुजरा, जो हम जैसे लोगों को और जैसे जितने भी डेफ हैं दुनिया में, इन सबको जिस जिन तकलीफों का सामना करना पड़ता है, ये बेसिकली उसके ऊपर इसमें काम किया। खामोश चीखें बेसिकली ये लोग चीखते तो हैं लेकिन इनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, तो इनके अंदर की जो चीखें हैं, इनके अंदर की जो आवाज़ें हैं, जो इनके अंदर के तजुर्बे को, अपने अंदर के काम को, अपने अंदर के आर्ट को, अपने अंदर के आर्टिस्ट को डिस्क्राइब करती हैं, इसमें बेसिकली उन सब चीज़ों के बारे में बात की। जो है वो इस वाले इसमें क्या दिखाना चाह रहे हैं कि ये बताना चाह रहा है कि हमारे अंदर एक ऐसा गुबार छुपा हुआ होता है जिसको हम बयान करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि लोग के लिए तो दुनिया में दबाव कराए जाते हैं वो है साइन लैंग्वेज, लेकिन इसने अपने साइन लैंग्वेज को ब्रेक करते हुए साइन लैंग्वेज अपने स्ट्रक्चर द्वारा भी पेंटिंग के जरिए बताना चाहते हैं, क्योंकि लाजमी नहीं है कि किसी एक बंदे को उसकी बाउंड्रीज के अंदर डाल दिया, तो लिहाजा इसने अपनी बाउंड्री को ब्रेक करते हुए अपने सारे काम। अली आप ये कब से कर रहे हैं? ये बताइए कि कितने 4 साल से यहाँ पर हैं? उसका कोचिंग का फाइनल कि इसके अंदर इसने अपने पढ़ाई के बारे में बहुत कुछ बताइए। अली आपने इन सारी पेंटिंग्स में क्या दिखाया है? मुझे जहाँ तक समझ आ रहा है मुझे एंजाइटी डिप्रेशन समझ आ रहा है। मैं आपका मसाला बताना चाह रहा हूँ जो हमें स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है चीज़ों की वजह से। अगर बंदा डिप्रेस होता है तो शायद नशों में और इन सब चीज़ों में बैड हैबिट्स में पड़ जाता है। ये सारे एक्सप्रेशन हैं जिनका सामना इसने किया है अपनी लाइफ में, लाइक अपने पेरेंट्स को लेके और अपनी फैमिलीज को लेके, कभी कभार टीचर्स को लेके। ये मोनोपेंट्स हैं बेसिकली जो नीचे हैं, इनका बेसिकली काम ये स्ट्रीट पेंट वगैरह में होता है, या फिर आप कह लें जो हमारी न्यूज़ पेंट्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर होता है। ये इसने पेंटिंग लाइक के अगर जैसे लड़का कहते हैं कि डिप्रेशन में होता है तो वो ज़्यादातर स्मोकिंग शुरू कर देता है। ये मोनोपेंट्स हैं बेसिकली, ये सारे एक्सप्रेशन हैं, एक्सप्रेशन पर काम होता है इनके अंदर। आपने इन 4 faces में क्या दिखाया है? इसने अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाई है, उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से फैमिली में दरारें पैदा हो जाती हैं बेसिकली, वो दिखाया है इसके अंदर। इसके अगर आप नहीं करिए तो इसने हर फेस को ब्रेक किया, तो इनकी वजह से जो बॉडी आप फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो, और इसने वो सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की। इसमें क्या दिखाने की कोशिश की? इसके अंदर प्योरली फ्रस्ट्रेशन है। ये बेसिकली न्यू आर्ट है जो अब तक पाकिस्तान में बहुत कम आर्टिस्ट ने किया है, पेपर आर्ट कहलाता है। इसके अंदर इसने पेपर को पेश किया है नेट के ऊपर, और इसके अंदर इसके फ्रस्ट्रेशन इमेजेस हैं। लाइक अगर देखें तो हम ज़्यादातर चीख रहे होते हैं, घबरा रहे होते हैं, लेकिन ये लोग उस चीज़ को बता नहीं सकते क्योंकि इनके मुँह में आवाज़ है। तो इसने बस इसी चीज़ को अपनी पावर बनाया अपने हर काम के। ज़बरदस्त अली, वेल डन। Thank you.
करके स्पेसिफाई करके काम नहीं किया. मैंने डिफरेंट शेप्स, हेक्सागन, हनी बी, एनिमल स्किन्स और स्पाइडर वेब के पैटर्न्स लेके अपने डिज़ाइन क्रिएट्स किए हैं. और इसी तरह मैंने डिफरेंट कलर और टेक्सचर और प्रिंट टेक्निक्स के साथ अपने आउटडोर गार्डन को डेकोरेट किया. एक्चुअली ये मैंने बेस्पोक टेक्सचर हैंड वीविंग की है. एक पैनल बनाया है जिसको हम किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. इसमें वो सारे शेड, वो सारे कलर, वो सारे लाइट टू डार्क टोन्स मौजूद हैं जो मैंने अपने प्रॉपर असाइनमेंट्स में और एक थीसिस डिस्प्ले में यूज़ किया. कि जिस तरह हमारी ज़िंदगी में खाना पीना, बोलना हंसना ज़रूरी है, इसी तरह हमारी ज़िंदगी में आर्ट का बहुत बड़ा किरदार है. आर्टिस्ट अपनी फीलिंग्स, अपने एहसास, अपनी फीलिंग्स, अपने दुख, अपने रंज, इवन अपनी क्रिएशन, फ्यूचर, सब कुछ अपनी इस पेंटिंग्स में, अपने काम में डाल देता है. जिस तरह अली एक माशरे का पॉजिटिव किरदार है कि वो बोल नहीं सकते लेकिन उनकी ये खामोश चीखें हम सबको एक मोटिवेशन दे रही हैं कि हम बोल सकते हैं मगर हम फिर भी बोलते नहीं हैं. तो आर्टिस्ट, ऐसी आर्ट गैलरीज का होना बहुत ज़रूरी है और आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के इन स्टूडेंट्स की काविश बहुत ज़बरदस्त है. न्यूज़ इसको इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.